हाय, दिस इज एन एच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश। आज हम 11th और 12th में पढ़ी जाने वाली किताब रैनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का दूसरा चैप्टर इंग्लिश डाउन द एजेस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि इंग्लिश जो है डिफरेंट एज में कैसे डेवलप की और इंग्लिश को कितने पीरियड में बांटा गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेक्स्ट को शुरू करने से पहले कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं। इंग्लिश जो लैंग्वेज है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके इम्पोर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते। चाहे वो बिजनेस की बात हो, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज और जितनी भी डेवलपमेंट के वर्क्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हैं या दूसरी कंट्री के साथ जो लिंक एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें इसका अहम रोल है। इंग्लिश वर्ल्ड में जो है करीबन कंट्रीज़ में, यानी पूरे कंट्रीज़ में इंग्लिश जो है बोली जाती है। वैसे वर्ल्ड में पूरे कंट्रीज़ का नंबर को हम देखें तो यूएन यूनाइटेड नेशन के अनुसार 195 कंट्रीज़ हैं, जबकि ओलंपिक नेशंस जो हैं वो 206 हैं। 204 से 207 जो कंट्रीज़ हैं वो सेल्फ डिक्लेयर्ड कंट्री हैं। 211 जो है फीफा नेशंस हैं जो एलिजिबल है फीफा खेलने के लिए, और 249 जो कंट्रीज हैं, कंट्री के कोड जो हैं वो ISO स्टैंडर्ड लिस्ट में हैं। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में पहला जो लैंग्वेजेस है चाइनीज, इंग्लिश, अरेबिक, स्पैनिश, रशा और फ्रेंच है। टॉप 10 लैंग्वेजेस जो वर्ल्ड के अंदर जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं, उसमें पहले नंबर पे जो लैंग्वेज है वो है मैंडरिन चाइनीज। इसे 1.1 बिलियन लोग बोलते हैं, और 1 बिलियन जो है 1,000 मिलियन के बराबर होता है, और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। इस हिसाब से 1 बिलियन जो है 1 अरब के बराबर होता है, यह लगभग में है। और यह जो है नेटिव स्पीकर के अलावा वैसे लोग जो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उनके नंबर को मिलाकर हैं। दूसरे नंबर पे जो है वह इंग्लिश लैंग्वेज है जिसे 983 मिलियन लोग बोलते हैं, और 67 कंट्रीज की ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तीसरे नंबर पर हिंदी है जो 544 मिलियन लोग इसे बोलते हैं। हिंदी और उर्दू जो है ये करीब मिलती जुलती लैंग्वेज है, तो इन दोनों के आंकड़ा को मिलाकर। चौथे नंबर पर स्पैनिश लैंग्वेज बोली जाती है जिसे 527 मिलियन लोग बोलते हैं। पांचवें नंबर पर अरबिक बोली जाती है जो 422 मिलियन लोग बोलते हैं, और 26 कंट्रीज की ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। सिक्स नंबर पे जो लैंग्वेज है वह है मले जिसे 281 मिलियन लोग बोलते हैं, और यह जो ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और कुछ और कंट्रीज में भी ये बोली जाती है जैसे फिलीपींस और थाईलैंड में भी बोली जाती है। सातवें नंबर पे रशियन है जो 267 मिलियन लोग बोलते हैं, और ये 4 कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान है। आठवें नंबर पर बंगाली है जिसे 261 मिलियन लोग बोलते हैं। नाइन्थ नंबर पे पुर्तगीज़ है जिसे 229 मिलियन, और 10th नंबर पे फ्रेंच है जिसे 229 मिलियन लोग बोलते हैं। ये जो डेटा दिए गए हैं ये डेटा कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो चलिए टेक्स्ट शुरू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंस और यूजेस है इस मॉडर्न एज में और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड डैट मीन्स कि सारा जो वर्ल्ड है ग्लोब की तरह हमारी मुट्ठी में आ गया, यह देखते हुए यह एक इम्प्रेशन देता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है मैक्सिमम लोगों के द्वारा बोली जाती है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत ही रोचक लगेगा कि मैंडरिन चाइनीज जो है वह 873 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है 309 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है। ओके, लेकिन ये जो इंग्लिश बोली जाती है ये वर्ल्ड के सारे जो है पार्ट्स में बोली जाती है।
और यह भी एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज नहीं है, यह सिर्फ 1500 साल पुरानी लैंग्वेज है। क्योंकि 449 AD में जब एंग्लो सैक्सन आए थे तो वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज जो है डायलेक्ट के थ्रू शुरू हुआ, और जो इंग्लिश आज हम इस्तेमाल करते हैं, जो रिफाइंड इंग्लिश है, वो सिर्फ 500 साल पुरानी है। लेकिन इतने ही दिनों में इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक इम्प्रेशन देती है वर्ल्ड क्लास के लिटरेचर में, सारे जानर में। जानर डैट मीन्स नॉवेल, ड्रामा, प्रोज, पोइट्री, इनमें सारे में जो है इसमें क्लास का जो है लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज में हमें मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज में शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और मिल्टन, विलियम शेक्सपियर के ड्रामा जो है काफ़ी फेमस हैं, जिसमें आपके मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, सिम्बेलिन और काफ़ी, ऑल्स वेल्स डैट इन्स वेल, मच अडू अबाउट नथिंग, बहुत से जो वर्क हैं। इसके अलावा सोनेट्स, 154 सोनेट्स, और फिर कुछ वर्क्स और भी हैं पोएम में, जिसमें वेनस एंड एडोनिस है, द रेप ऑफ लॉक्रिस है। तो विलियम शेक्सपियर जो है काफ़ी फेमस मास्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ड्रामेटिस्ट हैं और पोएट हैं। मिल्टन जो है उनके पैराडाइज लॉस्ट एपिक पोएम है, पैराडाइज रिगेन्ड है, लिसीडास है। और विलियम वॉर्ड्सवर्थ जो है ये भी क्लास के पोएट हैं, क्लास के पोएट डेट मीन्स नॉट क्लासिकल पोएट, रोमांटिक पोएट हैं ये। और इनका जो वर्क है द प्रिल्यूड, इसके अलावा टिंटर नेबे एंड एक और वर्क है जो काफ़ी फेमस है, हाँ, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो ये सारे जो शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और मिल्टन जो हैं, ये ग्रेटेस्ट मास्टर जो है कंसीडर किए जाते हैं, लिटरेरी जीनियस कंसीडर किए जाते हैं। इनके आइडियाज जो हैं लिटरेरी जीनियस में काफ़ी रेलिवेंस हैं। ओके ओके ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो है, जब एंग्लो सैक्सन लोग यहाँ पे आए ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर एंग्लो सैक्सन, तो एंग्लो सैक्सन में तीन तरह के ट्राइब्स थे जो चार तरह के डायलेक्ट्स का इस्तेमाल करते थे। डायलेक्ट का मतलब होता है किसी खास जगह पे बोली जाने वाली जो हम बोलते हैं स्थानीय, जिसको भाषा कह सकते हैं। और लैंग्वेज जो होती है वो नेशन लेवल पे व्यापक रूप से बोली जाती है। तो ये चार तरह के जो डायलेक्ट थे, तो ईस्ट मिडलैंड जो डायलेक्ट था इसी को रिफाइन करके, और जो इंग्लिश हम जो आज बोलते हैं, यही ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। और यही पूरी तरह से जो है ट्रांसफॉर्म होके चेंज हुआ है। जो द फॉलोइंग फैक्ट्स विल इनेबल यू टू, ये जितने भी फैक्ट्स अभी दिए गए हैं ये आपको समझने में आसान बनाएंगे, अंडरस्टैंड द रीजन विच हैव ट्रांसफॉर्म द वन हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट टू ए पोजिशन ऑफ अनपैरल्ड ग्रेटनेस इन आवर टाइम, हमारे समय में जो ये अभी ईस्ट मिडलैंड कैसे चेंज हो के इसको हम इंग्लिश में आज इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल रिफाइन इंग्लिश में। ओके अब पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो इवोल्यूशन है एंग्लो सैक्सन से जो शुरू होता है और मॉडर्न एरा तक, अभी के एरा तक, उसमें कहीं भी अनब्रोकन नहीं हुआ है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। और इसे हम जो है तीन पीरियड में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके जिसमें पहला ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, जो 449 AD से 1066 AD तक है। फिर मिडिल इंग्लिश है जो 1150 AD से 1500 AD तक, मॉडर्न इंग्लिश जो 1500 AD से ऑनवर्ड्स है। ओके ओल्ड इंग्लिश के बारे में हम यहाँ पे अब देख रहे हैं। थ्रू आउट दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो 449 AD से शुरू हुआ, इंग्लिश जो है एवरी डे स्पीच में बोली जाती थी ज़्यादातर लोगों के द्वारा, कॉमन मास ज़्यादा लोगों के द्वारा जनरली ये बोली जाती थी। लेकिन हम जो है द डिवीजन मेड अबव, जो डिवीजन ऊपर बनाया गया, जैसे ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, इसके अलावा भी इच पीरियड में जो है कुछ चेंजेस हैं, कुछ डिस्टिंक्शन है, कुछ लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक जो फीचर्स हैं उसमें कुछ चेंजेस हैं। ओके
इसमें भी हैं, वो उनके अलावा भी चेंजेज है, हर एक पीरियड में कुछ चेंजेस हैं। ओके, ओल्ड इंग्लिश जो है इसे हम कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन जो होता है ग्रामेटिकल चेंजेस होते हैं, और ये मेनली किसी वर्ड के एंड में होते हैं, और ये फंक्शन के लिए इसे हम चेंज करते हैं। तो यह चेंजेस जो हैं ओल्ड इंग्लिश में काफ़ी देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे यह जो चेंजेस हैं एक टाइम के बाद जो है ये पूरी तरह से लेवल्ड हो गए, यानी ख़त्म हो गए या बराबर हो गए। तो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश के अंदर जो चेंजेस होते थे किसी भी वर्ड के अंदर, जैसे नाउन्स, प्रोनाउन्स और एडजेक्टिव या डिटरमिनर्स को भी हम चेंज करते थे, इन्हें भी, एडजेक्टिव को भी और नाउन्स को भी, प्रोनाउन्स को भी, इन सब को चेंज करते थे हम केस, नंबर, जेंडर को दर्शाने के लिए। इवन वर्ब के अंदर भी चेंजेस होते थे। तो ये चेंजेस धीरे धीरे जो है ख़त्म हो गए। और इस एज में जो लिटरेचर जो है बहुत ही सिग्निफिकेंस जो है प्रोड्यूस्ड नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई सपोर्ट करने के लिए, सपोर्टिंग जो एलिमेंट था वो लैक था, इसलिए इस एज को हम डार्क एज भी कहते हैं। ओके, अब मिडिल इंग्लिश में आते हैं। मिडिल इंग्लिश जो है 1150 AD के ऑनवर्ड्स जो है इसे हम मिडिल इंग्लिश कहते हैं, और यह जो है इमर्ज हुआ, इंग्लिश एक लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर के लैंग्वेज की तरह इमर्ज हुआ, और लैंग्वेज जो है ये बहुत ही इनरिच्ड हुआ, इसलिए कि यहाँ पे जो है काफ़ी वर्ड्स जो है फ्रेंच लैंग्वेज से और लैटिन लैंग्वेज से लिए गए। जो 1066 में फ्रेंच लोगों ने इन्वेडेड किया इंग्लैंड को, और उन लोगों ने जीत लिया, जिसकी वजह से फ्रेंच का भी इन्फ्लुएंस मिला और लैटिन का इन्फ्लुएंस। तो 43 AD से लेकर 410 AD तक रोमन जो है रोमन रहे इंग्लैंड में, तो वहाँ उनका भी इन्फ्लुएंस था। तो ये दोनों इन्फ्लुएंस जो था फ्रेंच और लैटिन वर्ड्स को लिया गया, जिसकी वजह से ये काफ़ी व्यापक हो गया, एक्सटेंसिव हो गया। अब अपार्ट फ्रॉम दिस टू अदर मेजर डेवलपमेंट, इनके अलावा भी दो मेजर डेवलपमेंट हुई, जो एक जो था प्रिंटिंग प्रेस 1476 में इन्वेंट होना, ओके जी, जिसकी वजह से लिटरेसी काफ़ी बढ़ने लगी, और दूसरा जो था ग्रेट वॉवल शिफ्ट जो इस समय लिया। ग्रेट वॉवल शिफ्ट जो है 1400 से लेकर 1700 AD इनके बीच जो है, यानी मिडिल इंग्लिश में वॉवल के अंदर, लॉन्ग वॉवल और शॉर्ट वॉवल के अंदर काफ़ी चेंजेस हुए। इवन कंसोनेंट के अंदर भी चेंजेस हुए, लेकिन उनके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। तो इसे ही हम द ग्रेट वॉवल शिफ्ट कहते हैं। ओके, ये जो सारे फैक्टर जो हैं ये योगदान करते हैं एक लैंग्वेज को स्पोकन और रिटन पर्पस के लिए पर्पस होने में। ओके, मॉडर्न इंग्लिश के बारे में आप देखते हैं। मॉडर्न इंग्लिश जो है 1500 AD से आज तक जो है हम इसे मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, लेकिन अभी हम मॉडर्न इंग्लिश को भी सब डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, जिसमें मॉडर्न इंग्लिश और न्यू इंग्लिश होंगे। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड, 19th सेंचुरी के बिगनिंग में जो है इंग्लिश जो है बेसिकली ब्रिटिश आयल्स में ही बोली जाती थी, यानी ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और इसके अलावा जितने भी आइलैंड्स ब्रिटेन के पास थे वहाँ ही बोली जाती थी। लेकिन यह लैंग्वेज धीरे धीरे जब इसने अपने एरिया को एक्सपेंस करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया ब्रिटिश एम्पायर ने, और उसके बाद साइंस के अंदर जो ग्रोथ हुए और इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर के अंदर, तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है अपने आप में इनरिच्ड हुई। इनके वोकेबुलरी को इसने लिया, इंग्लिश लैंग्वेज ने लिया, और इसके अलावा ब्रिटिश ने जो कॉलोनाइज्ड किया था, कॉलोनी बनाया था दूसरे पे, जो कब्जा किया था, इसकी वजह से जब उनको इसने छोड़ दिया 20th सेंचुरी में, जब उनको आज़ाद कर दिया, ब्रिटिश तो चले आए लेकिन इंग्लिश जो है वहीं के वहीं छूट गई, यानी इंग्लिश वहाँ रह गई और इंग्लिश का डेवलपमेंट वहाँ से होना शुरू हुआ। तो इस तरह जो है इंग्लिश के जो वैरायटी है, काफ़ी वैरायटी पूरे वर्ल्ड के अंदर आए, जिसमें कुछ अमेरिकन इंग्लिश हैं, इंडियन इंग्लिश हैं, कैनेडियन इंग्लिश हैं। ओके, इन सिंपल टर्म्स द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मे बी द एरा ऑफ पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिश।
तो हम सिंपल टर्म में कह सकते हैं कि लेटेस्ट जो पीरियड में डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ हुई इंग्लिश लैंग्वेज की, वह न्यू इंग्लिशेज हैं। अब जो नए टर्मिनोलॉजी, नए वर्ड्स जो हैं, यह जो है यह काफ़ी थे, इज इनफ टू इंडिकेट, यह बताने के लिए काफ़ी थे, इंडिकेट करने के लिए काफ़ी थे कि कैसे एक लैंग्वेज अपने आप को प्रकट करता है, अपना रूप जो है मोल्ड मोल्ड करता है, यानी रूप चेंज करता है, किस चीज़ के लिए, ह्यूमन कम्युनिकेशन के पर्पस को फुलफिल करने के लिए। तो द स्टोरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर, इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्टोरी है एक फ्लोइंग रिवर की तरह, बहते हुए पानी की तरह, मियंडरिंग अक्रॉस कंटिनेंट, जो सारे कंटिनेंट में घूम घूम कर बहते हुए, एब्जॉर्बिंग द नेटिव सॉयल, नेटिव सॉयल को एब्जॉर्ब करते हुए, एंड एंटरिंग द हार्ट ऑफ द पीपल, और पीपुल के हृदय के अंदर घुसते हुए, प्रवेश करते हुए। नो सरप्राइज देयर फॉर, इसलिए कोई भी सरप्राइज नहीं होनी चाहिए, इफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, सारे लोगों ने इंग्लिश को जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह एक्सेप्ट किया, ओके, अग्रीड हुए इसे एक्सेप्ट करने में। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश हैज बीन फाउंड सुटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ये जब ग्लोबलाइजेशन का जो एरा चल रहा है, युग चल रहा है, इसमें इंग्लिश एक ऐसा सुटेबल लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकता है। यह जो है इट हैज ऑल्सो इक्विप्ड इट सेल्फ, ये अपने आप में पूरी तरह से सुसज्जित है टू सर्व एज द लैंग्वेज ऑफ द प्रेजेंट साइबर एज, साइबर एज को प्रेजेंट करने के लिए, साइबर एज के लैंग्वेज के लिए, साइबर एज डैट मीन्स कंप्यूटर एज, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज को हम साइबर एज कहते हैं। अब जो है कुछ नेक्स्ट फ्यू पेजेस में जो है हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो में योगदान करती है। तो आज के लिए बस इतना ही।